सम्राट सिंह और तारा की शादी के बीच में फिर से होने वाली है ध्रुव की जबरदस्त एंट्री। वेल दोस्तों, सोनी सब टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल ध्रुव तारा समय सदी से परे के आने वाले ट्रैक की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको देखने को मिलेगा किस तरह से ध्रुव और तारा फिर से एक होते हुए नजर आने वाले हैं। जहां दूसरी तरफ फैंस उदास होने लगे थे कि शायद अब ध्रुव तारा कहीं एक नहीं हो पाएंगे, तो वहीं पे मेकर्स बड़ा ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में जहां पर सम्राट सिंह और तारा की शादी की बातें होंगी, मंडप तैयार होगा दोनों शादी के बंधन में बंधने के लिए, बैठ भी जाएंगे तो वहीं पर ध्रुव की धमाकेदार एंट्री होगी। यानी कि 21वीं सदी से फिर से ध्रुव जो है 17वीं सदी में पहुंचने वाला है और सीरियल का ट्रैक फिर से बदलता हुआ नजर आएगा। तो चलिए बताते हैं और क्या क्या होगा सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में। वेल, सबसे पहले आज आप देख सकते हैं किस तरह से तारा की मुलाकात भाबोसा से हो गई है, जहां पर तारा लड़कियों को धनुष चलाना सिखा रही है, तो वहीं पर भाबोसा जो है वो तारा के खिलाफ चली गई है और कह रही है कि लड़कियों को ये सब शोभा नहीं देता। लेकिन तारा जो है वो भी जबरदस्त लड़की है, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और अपनी हर विश को पूरा करना चाहती है। वहीं आप देख सकते हैं दूसरी तरफ ध्रुव जो है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ राजमाता को लग रहा है। राजमाता को लग रहा है कि ध्रुव आगे बढ़ रहा है, लेकिन ध्रुव तो अभी भी तारा के ख्यालों में ही खोया हुआ है। सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा किस तरह से ध्रुव और तारा दोनों फिर से एक होने वाले हैं, क्योंकि ध्रुव को ऐसा सबूत मिलने वाला है जिससे ध्रुव को रास्ता मिल जाएगा 17वीं सदी में जाने का, जिसके बाद ध्रुव भी पहुंच जाएगा 17वीं सदी में अपनी तारा के पास और फिर आएगा सीरियल में नया ट्विस्ट। क्योंकि सबसे पहले आपको बता दें, जहां पर सम्राट सिंह और तारा की जिंदगी आगे बढ़ती हुई नजर आई थी, सम्राट सिंह ने तारा की जिंदगी में एंट्री ले ली और अब वो लोग शादी भी करने जा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मंडप तैयार है, सबके सब बहुत खुश हैं। ध्रुव, तारा और वो छोटा सा बच्चा, यानी कि तारा और ध्रुव का बच्चा जो है वो सम्राट सिंह के पास है और सम्राट सिंह को ही अपना पिता मानने लगा है। लेकिन यहां पर जब ध्रुव की एंट्री होगी तो क्या फिर से तारा ध्रुव के पास लौट जाएगी और ऐसे में क्या सम्राट सिंह विलन बनेगा? क्योंकि आप जानते हैं कि सीरियल में जब दो प्यार करने वाले होते हैं तो एक विलन की एंट्री भी जरूर होती है और इसी को माना जा रहा है कि सम्राट सिंह जो है वो विलन बनने वाले हैं। वैसे भी उनका रोल जो है काफी दमदार है सीरियल में, जब से उनकी एंट्री हुई है फैंस भी बेहद एक्साइटेड हैं कि वो अपने असली रियलिटी अंदाज में कब आएंगे। और आप कितना एक्साइटेड हैं ध्रुव तारा की शादी को लेकर, क्योंकि उनकी शादी फिर से होगी, वहीं पर आप देखेंगे सम्राट सिंह विलन बनते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें। और ध्रुव और तारा को लेकर आपका क्या कहना है ये हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर।